नमस्ते बच्चों, मेरा नाम है डॉक्टर वैभव अवस्थी और हमारा आज का टॉपिक है यो यो। न्यूरो मतलब क्या बेटा? दैट मींस बेसिकली नर्वस टिश्यू के बारे में हम डिस्कस करेंगे। यू सी दिस इज अ नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन इन बायोलॉजिकल स्टाइल एंड दिस स्टेथोस्कोप मींस यो। सो यो यो न्यूरो नर्वस टिश्यू में बेटा, फर्स्ट थिंग दैट वी हैव टू रिमेम्बर, इट इज डिराइव्ड फ्रॉम आउटर जर्म लेयर दैट इज एक्टोडर्म। बॉडी में तीन जर्म लेयर्स होते हैं जिससे हमारा पूरा का पूरा बॉडी बनता है बेटा। बाहर वाला लेयर एक्टोडर्म, अंदर वाला एंडोडर्म, बीच वाला मेसोडर्म। सो नर्वस टिश्यू एक्टोडर्म से बनता है। नेक्स्ट, नर्वस टिश्यू में दो तरह के सेल्स होते हैं, एक होता है न्यूरॉन और दूसरा होता है न्यूरोग्लिया। न्यू रोग, रोग यानी बीमारी जैसा वर्ड, ओके, रोग लिया, न्यू रोग लिया, पुराना रोग दिया, ऐसे याद रखो आसान हो जाए, ठीक है। सो न्यूरॉन एंड न्यूरोग्लिया दो किस्म के सेल होते हैं हमारे नर्वस टिश्यू में बेटा। अब इसमें से न्यूरॉन जो है, न्यूरॉन इज द बेसिक स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ नर्वस सिस्टम, यानी ये मेन सेल है बेटा, ओके। एंड न्यूरोग्लिया इज एक्सेसरी सेल, यानी हमारे दिमाग, हमारे स्पाइनल कॉर्ड में जितनी भी नर्व है, ओके, उसके अंदर दो किस्म के सेल्स होते हैं, न्यूरॉन और न्यूरोग्लिया। दोनों में से मेन सेल न्यूरॉन है। न्यूरोग्लिया इज लाइक चाराना आठाना, बचा कुचा सेल है, नाम का फिलर सेल है, जगह को भरने के काम आता है, सपोर्ट देने के काम आता है। नेक्स्ट, न्यूरॉन कैन नॉट डिवाइड एंड न्यूरॉन्स कैन नॉट रीजेनरेट। न्यूरोग्लिया कैन डिवाइड एंड दे कैन रीजेनरेट। न्यूरॉन्स क्यों डिवाइड और रीजेनरेट नहीं हो सकते हैं? बिकॉज न्यूरॉन्स के अंदर देयर इज नो सेंट्रियोल, इनमें सेंट्रियोल एब्सेंट होता है बेटा, ओके। इसलिए बहुत जरूरी है कि अगर दिमाग के किसी भी हिस्से पे मार लगे और न्यूरॉन अगर डैमेज हो जाए तो वो न्यूरॉन आपको वापस नहीं मिलेगा। जितना न्यूरॉन बन गया है वो न्यूरॉन बन गया है, अगर एक बार डैमेज हुआ तो वो सेल डिवाइड होके आपको वापस न्यूरॉन नहीं मिलेगा। न्यूरोग्लिया कैन डिवाइड, न्यूरोग्लिया कैन रीजेनरेट। नेक्स्ट, न्यूरॉन का काम क्या है? न्यूरॉन इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इंपल्स प्रोडक्शन। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं एक्साइटेबिलिटी। एंड इंपल्स कंडक्शन, इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं कंडक्टिविटी। ओके, वेरेस न्यूरोग्लिया का काम क्या है? न्यूरोग्लिया, दीज आर नॉन नर्वस सेल्स जिसका काम है सपोर्ट देना, एंड इट फिल्स इंटर न्यूरोनल स्पेस। दो न्यूरॉन के बीच में जितनी भी जगह रहती है, नर्वस टिश्यू में जितनी भी जगह है, वो सारी बची कुची जगह भरी होती है। गर्दी करने वाला सेल है न्यूरोग्लिया, जो इतना जरूरी नहीं है, खाली सपोर्ट देता है, ओके। बट मेन इंपल्स यानी मैसेज, जैसे अगर मुझे मेरा हाथ हिलाना है, राइट, तो कोई ना कोई न्यूरॉन
क्या करेगा, इम्पल्स जनरेट करेगा, मैसेज जनरेट करेगा और मैसेज को आगे भेजेगा मेरे मसल तक, फिर मसल कॉन्ट्रैक्ट होगा और उसके बाद मैं अपना हाथ हिला सकता हूँ। सो जिस तरह से एक बिजली उत्पन्न होती है दैट इज एक्साइटेबिलिटी, और बिजली कंडक्ट होती है वायर से दैट इज कंडक्टिविटी, तब जाके लाइट है, पंखा है, इस तरह के डिवाइसेस काम कर पाते हैं। उसी तरह से हमारे बॉडी में इम्पल्स को जेनरेट करने का काम दैट इज एक्साइटेबिलिटी और इम्पल्स को आगे भेजने का काम दैट इज कंडक्टिविटी, ये काम किसका है, ये काम है न्यूरॉन का। इतना समझा बेटा? अब न्यूरॉन का डायग्राम ड्रॉ कर लेते हैं पहले। बहुत ही इजी सा डायग्राम है, ध्यान दो। अब इस डायग्राम में स्टार्टिंग में स्टार शेप स्ट्रक्चर ड्रॉ करो। और हर जगह से ना पॉइंटेड प्रोजेक्शंस निकालो बेटा, रैंडमली। इसको मेरे साथ ही ड्रॉ कर लो बेटा, इजी है। ये करने के बाद यहां से एक फाइबर को नीचे ले जाओ, नीचे ले जाने के बाद इसको स्प्लिट करो। फिर इसमें से बलून जैसे स्ट्रक्चर्स निकालो। देख, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए बेटा। यहां से भी एक प्रोजेक्शन ले लेते हैं बाहर। अब ये जो बीच वाला पूरा का पूरा स्ट्रक्चर है ना, ये पूरा जो सेल जैसा है उसके सेंटर में ये न्यूक्लियस, और उसके न्यूक्लियस के अंदर उसका न्यूक्लियोलस। तो ये बीच वाला पूरा जो स्ट्रक्चर है इसको हम लोग बोलेंगे सेल बॉडी, ऑल्सो कॉल्ड एज अ साइटॉन। सेल बॉडी ऑल्सो कॉल्ड एज अ साइटॉन, और ये हमने जो ड्रॉ किया है ना ये उसका न्यूक्लियस है। अब न्यूक्लियस के अंदर जो है वो है न्यूक्लियोलस। इसके अलावा जो जेली लाइक मटेरियल है साइटोप्लाज्म जैसा, इसको बोलेंगे न्यूरोप्लाज्म बेटा। और इसी न्यूरोप्लाज्म के अंदर बड़े बड़े ग्रेन लाइक पार्टिकल दिखाओ, बड़ा डॉट दिखाओ। इसको बोलना है निसल्स ग्रैन्यूल। निसल्स ग्रैन्यूल्स, निसल्स ग्रैन्यूल्स आर मेड अप ऑफ आरएनए एंड राइबो प्रोटीन्स। And these Nissl's granules are responsible for formation of enzyme which helps in neurotransmitter formation. Neurotransmitter वो liquid होता है जो synapse में होता है, इस बारे में discuss करेंगे थोड़ी देर में, फिलहाल diagram पे ध्यान दो बेटा। इसके अलावा ये जो हेयर लाइक प्रोजेक्शन बाहर आ रहा है इसको हम लोग बोलेंगे डेंड्रॉन। और डेंड्रॉन से भी
जो और पतला पतला हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकल रहा है इसमें से भी ब्रांचेस निकालो बेटा बात। इसको बोलना है डेंड्राइट्स। तो जो मोटा मोटा था वो डेंड्रॉन था और जो पतला पतला ब्रांचेस निकल रहा है बेटा वो है डेंड्राइट्स। फिर उसके बाद ये जो लंबा सा फाइबर नीचे निकल रहा है ओके, इसका शुरुआत का हिस्सा जो मोटा है जो एक पहाड़ की तरह नजर आ रहा है, उल्टा पहाड़, हिल, पहाड़ जो होता है ना बेटा उसको उल्टा करोगे तो ऐसे ही नजर आएगा ओके, इसको बोलना है एक्सॉन हिलॉक। ये जो पूरा का पूरा पतला सा फाइबर निकल के नीचे आ रहा है इसको बोलना है एक्सॉन। अब ध्यान से सुनो, अंदर की तरफ नेमिंग कर रहे बेटा, ये एक्सॉन है और एक्सॉन के अंदर जो जेली लाइक मटेरियल भरा पड़ा रहता है उसको बोलते हैं एक्सोप्लाज्म। एक्सोप्लाज्म में यू विल फाइंड माइटोकॉन्ड्रिया एंड यू विल फाइंड न्यूरोफाइब्रिल्स। ओके अच्छा, अब इसी एक्सॉन का जो बाउंड्री है, जो मार्जिन है, उसको बोलने का एक्सोलेमा। एक्सोलेमा सुन बात ध्यान से, सोच मोटा पाइप है, सो पाइप एक्सॉन है, पाइप के अंदर जो पानी है ना वो एक्सोप्लाज्म है और पाइप का जो प्लास्टिक प्लास्टिक का जो बाउंड्री है ना उसको बोलने का एक्सोलेमा। नेक्स्ट, फिर इस एक्सॉन के आजू बाजू में कवरिंग होता है जिसको हम बोलेंगे माइलिन शीट। इस तरह से इसको कवर कर दो, अब ये पूरे कवरिंग को बोलना है माइलिन शीट। ये माइलिन शीट जो है ये फैट्स की बनी होती है। माइलिन शीट को बनाने वाला सेल उसी के अंदर होता है जिसका न्यूक्लियस मैं ड्रॉ कर रहा हूं बेटा, विच इज टुवर्ड्स द पेरिफेरी। इस सेल का नाम है श्वान सेल और ये उसका न्यूक्लियस है बेटा। नेक्स्ट, माइलिन शीथ का जो बाउंड्री है उसको बोलने का न्यूरिलेमा। जैसे एक्सॉन का बाउंड्री वॉज एक्सोलेमा, माइलिन शीथ के बाउंड्री को बोलना है न्यूरिलेमा। कई बार एक्सॉन आता है और साइड ब्रांचिंग देता है, इस साइड ब्रांचिंग को बोलने का कोलैटरल। द साइड ब्रांचिंग is called as collateral. Last, exon का last वाला जो part है वो dendron से काफी दूर है, दूर यानी टेली। ओके, जैसे टेलीफोन, टेली यानी दूर, फोन यानी साउंड, सो यू कैन टॉक एट अ डिस्टेंस। जैसे टेलीस्कोप, टेली मीन्स दूर एंड स्कोप मतलब टू लुक, दैट मीन्स यू कैन लुक एट अ डिस्टेंस। ओके, वैसे ही इसको हम बोलेंगे टेलोडेंड्रॉन।
एलो डेंड्रॉन, एलो यानी दूरी पे, किससे दूरी पर है ये, डेंड्रॉन से दूरी पे, तो ये आखिर का हिस्सा है टेलोडेंड्रॉन, और इसके इस ब्रांचिंग पैटर्न को हाईफाई लैंग्वेज में बोलना है टर्मिनल आर्बोराइजेशन, टर्मिनल आर्बोराइजेशन, आर्बोर यानी ब्रांचिंग, सो ये आखिर का पार्ट है इसलिए टर्मिनल, एंड इट इज ब्रांचिंग लाइक ट्रीज, एक पेड़ के स्टेम के कैसे ब्रांचेस निकल आते हैं, इसलिए इसको बोलना है टर्मिनल आर्बोराइजेशन। अच्छा, अब इसमें एक स्पेशल पॉइंट ये नोटिस करो, जहां जहां पर माइलिन शीट खत्म हो रहा है, जैसे ये वाला पॉइंट, ओके, जहां माइलिन शीट आके खत्म हो गया और नया माइलिन शीट शुरू हुआ, वो सारे पॉइंट्स को बोलने का नोड ऑफ रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर। सो दिस इज द बेसिक डायग्राम ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट सेल ऑफ नर्वस सिस्टम, दैट इज न्यूरॉन। ओके, चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा, फोटो ले लो। लिया बेटा? ओके, चल अब इसको रब कर देते हैं। अब हम लोग न्यूरॉन्स के टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। टाइप्स ऑफ न्यूरॉन्स, ओके, अब टाइप्स ऑफ न्यूरॉन में सबसे पहला जो टाइप है वो उसके मैसेज ले जाने के डायरेक्शन के ऊपर निर्भर करता है। सो मैसेज के डायरेक्शन के हिसाब से न्यूरॉन्स के टोटल तीन टाइप मिलेंगे। अब समझो बेटा, ये हमारा सेंट्रल नर्वस सिस्टम है, ओके, और ये हमारे बॉडी का सेंसरी ऑर्गन है, जिसको हम सेंस ऑर्गन्स भी बोल सकते हैं। अब सेंस ऑर्गन्स को कुदरत ने खास किस्म के सेल्स दिए हैं, जिसको बोलते हैं रिसेप्टर्स। क्यों? क्योंकि ये मैसेज को रिसीव करते हैं। अब पांच सेंस ऑर्गन है, आईज फॉर विजन, नोज फॉर स्मेल, टंग फॉर टेस्ट, स्किन फॉर टच, एंड ईयर्स फॉर लिसनिंग। ओके, अब वो वाला न्यूरॉन जो मैसेज को लेकर जाएगा फ्रॉम द सेंस ऑर्गन टू द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उस न्यूरॉन को हम लोग बोलेंगे एफरेंट न्यूरॉन, और इसका दूसरा नाम है सेंसरी न्यूरॉन। क्यों? क्योंकि इसने मैसेज को, सेंसेशन वाले मैसेज को नर्वस सिस्टम के पास ले जाके उसको आभास दिलाया कि इस तरह का संदेश आ रहा है। जैसे मैं कुछ गर्म टच कर लूं तो स्किन विल एक्ट एज रिसेप्टर, फिर वो न्यूरॉन जो मैसेज लेकर आया और मुझे एहसास दिलाया कि वो गर्म है, सो उस न्यूरॉन को मैं बोलूंगा सेंसरी न्यूरॉन और एफरेंट न्यूरॉन। आगे फिर एक न्यूरॉन ऐसा होता है बेटा जो मैसेज सेंट्रल नर्वस सिस्टम से ले आता है इफेक्टर ऑर्गन्स के पास। अब इफेक्टर ऑर्गन्स दो होते हैं, या तो फिर वो मसल्स होते हैं या तो फिर वो ग्लैंड्स होते हैं। अगर मसल्स काम करेगा तो मसल का तो एक ही काम है कॉन्ट्रैक्शन, और ग्लैंड्स का एक ही काम है सिक्रीशन, यानी कोई ना कोई लिक्विड को रिलीज करने का। ओके,
अब ये वाला पार्ट ध्यान से देखो बेटा, अब वो न्यूरॉन जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम से मैसेज लेकर आएगा इफेक्टर ऑर्गन के पास, वो इफेक्टर या तो फिर मसल होगा या तो फिर ग्लैंड होगा। मसल का काम कॉन्ट्रैक्शन, ग्लैंड का काम सिक्रीशन। इस न्यूरॉन को हम लोग बोलेंगे इफरेंट न्यूरॉन और ऑल्सो कॉल्ड एज मोटर न्यूरॉन। अब ध्यान दे, इफरेंट में ई का मतलब होता है एग्जिट, यानी बाहर निकलना। सो ये वाली नस नर्वस सिस्टम से बाहर निकल रही है, इसलिए इसको इफरेंट बोलते हैं बेटा। और इसको मोटर क्यों बोलते हैं, क्योंकि इसके हिसाब से कोई ना कोई हलचल होगी बॉडी में। इजी एग्जांपल, जैसे मैंने कुछ गर्म टच किया, सो वो वाली नस जो ये गर्माहट की सेंसेशन को दिमाग तक पहुंचा रही है या स्पाइनल कॉर्ड तक पहुंचा रही है, उसको मैं बोलूंगा एफरेंट और सेंसरी न्यूरॉन। और उसके हिसाब से ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड सोचता है और फिर मैसेज भेजता है कि भाई हमको हाथ हटा लेना चाहिए। सो वो वाली नस जो मैसेज लेकर आ रही है उसको मैं बोलूंगा इफरेंट और मोटर न्यूरॉन। और वो मैसेज या तो मसल्स के पास जाएगा या तो ग्लैंड्स के पास जाएगा, क्योंकि रिस्पॉन्स करने के लिए यही दो मेन ऑर्गन है। मसल के पास जाएगा तो मैं हाथ हटा लूंगा। वही मैसेज ग्लैंड्स के पास कब जाएगा, जब समझो सेंस ऑर्गन है, समझो नोज कुछ अच्छा खाने के लिए बन रहा है। सो सेंसरी न्यूरॉन मैसेज लेकर गया, फिर मोटर न्यूरॉन मैसेज लेकर आएगा ग्लैंड्स के पास, फिर मुंह में पानी आने लगेगा, सलाइवरी ग्लैंड सलाइवा छोड़ने लगेगा बेटा। ओके, नेक्स्ट। नर्वस सिस्टम के अंदर एक न्यूरॉन ऐसा होता है जो सेंसरी न्यूरॉन का मैसेज लेता है और मोटर न्यूरॉन को मैसेज देता है। ऐसे न्यूरॉन को हम लोग बोलेंगे इंटर न्यूरॉन। इंटर न्यूरॉन का दूसरा नाम है एसोसिएशन न्यूरॉन। इसका तीसरा नाम है रिले न्यूरॉन। वो रिले गेम नहीं होता है हमको भाग भाग के जाने का, एक सामान दूसरे को देने का, फिर वो भागने लगता है, पासिंग द पास, लिया भाग के दूसरे को दिया। सो ये भी वही कर रहा है ना, सेंसरी न्यूरॉन से मैसेज लिया और उसको समझ के एनालाइज करके इंटरप्रीट करके मोटर न्यूरॉन को देता है। बराबर बेटा, फाइन। सो ये हो गया फर्स्ट टाइप, एंड दिस टाइप इज बेस्ड ऑन डायरेक्शन। ओके, नेक्स्ट। डिपेंडिंग अपॉन द कवरिंग अराउंड द न्यूरॉन इज कॉल्ड एज माइलिन शीथ। अब ये देखो, क्या बनाया दो सर, पतंग बनाया, पतंग नहीं है, न्यूरॉन है। अब इस न्यूरॉन के आजू बाजू में कवरिंग है, माइलिन शीट है, इसके आजू बाजू में माइलिन शीट नहीं, और ये उनका डेंड्राइट्स और ये न्यूक्लियस। सो जिस न्यूरॉन के पास माइलिन शीट होगा उसको हम लोग बोलेंगे माइलिनेटेड न्यूरॉन, ऑल्सो कॉल्ड एज मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। और जिसके पास माइलिन शीथ नहीं है दैट इज कॉल्ड एज नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेड्यूलेटेड इस न्यूरॉन ने कवरिंग जैकेट पहना है, माइलिन शीथ है इसके पास। इस न्यूरॉन के पास माइलिन शीथ नहीं है, कवरिंग नहीं है बेटा। ओके, सो दिस इज नॉन माइलिनेटेड और नॉन मेड्यूलेटेड न्यूरॉन। दूसरी जरूरी बात,
ये माइलिन शीट रिलीज कौन करता है? सो माइलिन शीट इज प्रोड्यूस्ड बाय श्वान सेल्स. सो ये याद रखना, इस वाले न्यूरॉन के पास श्वान सेल है और वही श्वान सेल माइलिन शीथ प्रोड्यूस करता है. इसके पास माइलिन शीथ भी है. इस न्यूरॉन के पास माइलिन शीथ नहीं है बट इनके पास श्वान सेल होता है. अब यहां बच्चे अक्सर गड़बड़ करते हैं. बच्चों को क्या लगता है? इसके पास माइलिन शीथ नहीं है और माइलिन शीथ तो श्वान सेल से प्रोड्यूस करता है, तो इसके पास श्वान सेल भी नहीं होगा. बट ऐसा नहीं है. यहां क्या होता है ना कि श्वान सेल है बट वो श्वान सेल यहां पर माइलिन शीथ नहीं बनाता है. नेक्स्ट, माइलिनेटेड न्यूरॉन जो है, ओके, उसका पॉइंट मैं यहां लिखता हूं बेटा. माइलिनेटेड न्यूरॉन क्योंकि उनके पास माइलिन शीथ है इसलिए उनका एक्सॉन का कवरिंग एकदम व्हाइट कलर का दिखता है. और नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन में क्योंकि यहां पे माइलिन शीथ नहीं है इसलिए ये ग्रे कलर का दिखता है. माइलिनेटेड न्यूरॉन में इंपल्स कंडक्शन इज फास्टर, इसमें मैसेज फटाफट जाता है. इंपल्स कंडक्शन इज फास्टर. यहां एक और बात बताता हूं, और यहां पर इंपल्स कंडक्शन इज स्लो. यहां पर इंपल्स कंडक्शन इज 50 टाइम्स फास्टर देन नॉन माइलिनेटेड न्यूरॉन. ओके, ये वाले न्यूरॉन में क्या होता है ना, क्योंकि इसके पास माइलिन शीथ है इसलिए यहां पे मैसेज विल जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर नोड ऑफ रैनवियर. ओके, सो व्हाट हैपेंस इज कि यहां पे द मैसेज विल जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर. सो जिसके पास माइलिन शीथ होता है ना उसमें मैसेज एक नोड ऑफ रैनवियर से दूसरे नोड ऑफ रैनवियर में फटाफट छलांग लगाता रहता है. जैसे सबसे तेज कौन दौड़ता है? चीता. पढ़ा है ना स्कूल में? गलत, सबसे तेज तू दौड़ता है. सर कैसे? उसके पीछे चीता तो छोड़, एक कुत्ता भगवा के देख ले. अगर कुत्ता या चीता तुम्हारे पीछे पड़ा है तुम उसके आगे भागेगा पीछे भागेगा? आगे भागेगा ना. तो सबसे तेज हम लोग दौड़ता है जान बचाने के लिए. अच्छा एनीवे, जोक सब. चीता जब दौड़ता है तो छलांग लगाता है, इट हॉप्स. स्लो मोशन में देखेगा ना, जंप जंप जंप. उसी तरह से समझो ये न्यूरॉन है, नोड ऑफ रैनवियर, मैसेज जंप्स फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर नोड ऑफ रैनवियर. वो सिर्फ माइलिनेटेड न्यूरॉन में होता है. और इस तरह के इंपल्स कंडक्शन को बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन. साल्टेटरी कंडक्शन में द मैसेज विल जंप फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर. ओके, सो यहां मैं लिख देता हूं नोड ऑफ रैनवियर, फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर नोड ऑफ रैनवियर, नोड ऑफ रैनवियर. इंपल्स जंप्स. सो द मैसेज जंप्स फ्रॉम वन नोड ऑफ रैनवियर टू अनदर नोड ऑफ रैनवियर. इसलिए यहां पे मैसेज 50 टाइम्स फास्टर कंडक्ट होता है और यहां पे मैसेज कंडक्शन कंपैरेटिवली स्लो है. इसके कंडक्शन को बोलते हैं साल्टेटरी कंडक्शन. बहुत इंपॉर्टेंट है. इनफैक्ट इसका स्पीड होता है 120 मीटर पर सेकेंड. यानी एक सेकेंड में ये 120 मीटर कवर कर जाता है. इसलिए हम कुछ गर्म को जैसे ही टच करते हैं हाथ तुरंत हटा लेते हैं. तो हम टच करते हैं ना तो मैसेज जाता है, ब्रेन स्पाइनल कॉर्ड सोचता है, ओके, और फिर मैसेज वापस आता है.
अब ये मैसेज का जाना, सोचना, वापस आना, तो सोचो हमारा हाथ हटाना कितना जल्दी होता है, तो मैसेज कितना जल्दी गया होगा, सोचा होगा, कितना जल्दी आया होगा। सो उसका स्पीड, द स्पीड इज 120 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो दैट इज सेकेंड टाइप ऑफ न्यूरॉन डिपेंडिंग अपॉन कवरिंग एज माइलिनेटेड एंड नॉन माइलिनेटेड। नाउ थर्ड टाइप ऑफ न्यूरॉन डिपेंडिंग ऑन पोलैरिटी, पोलैरिटी के हिसाब से। अब ये देख ध्यान से, समझो ये एक साइटोन है और ये उसका न्यूक्लियस, और इसमें से सिर्फ एक ही प्रोजेक्शन निकल रहा है। फिर समझो फॉर एग्जांपल ये एक साइटोन है और इस तरफ डेंड्राइट्स निकल रहे हैं और इस तरफ एक्सॉन निकल रहा है। ओके, और समझो ये एक साइटोन है, ये उसका न्यूक्लियस, यहां डेंड्राइट्स निकल रहे हैं और यहां एक्सॉन निकल रहा है। अब इसमें तुमको सिर्फ एग्जिट पॉइंट पे देखना है। इस साइटोन का बाउंड्री देखो, इधर एक ही एग्जिट पॉइंट है ना, इस पॉइंट से जो भी निकल रहा है इसी पॉइंट से निकल रहा है। सो ऐसे न्यूरॉन को हम लोग बोलेंगे यूनिपोलर न्यूरॉन। इस न्यूरॉन को देखो, इस पॉइंट से डेंड्राइट निकला और इस वाले पॉइंट से एक्सॉन निकला। सो इसके पास दो एग्जिट पॉइंट है, तो इसको मैं बोलूंगा बाइपोलर न्यूरॉन। और जो बड़ा डायग्राम हमने अभी अभी बनाया था ना, उसी का छोटा वर्जन बनाया था। ये देखो, इसके पास यहां से डेंड्राइट निकला तो ये एक एग्जिट पॉइंट है, यहां से दूसरा डेंड्राइट निकला तो ये एक और एग्जिट पॉइंट, ये एक और एग्जिट पॉइंट, ये भी एक, और यहां से एक्सॉन तो ये भी एक एग्जिट पॉइंट हुआ। सो मल्टीपल एग्जिट पॉइंट है, सो दिस इज कॉल्ड एज मल्टीपोलर न्यूरॉन। ये समझा बेटा? अच्छा, इसके अलावा ओके एक और टाइप है, जहां पे समझो ये साइटोन है, ये उसका न्यूक्लियस है, देखने के लिए एक एग्जिट पॉइंट है पर उसमें से फिर डेंड्राइट्स ऊपर की तरफ समझो और एक्सॉन नीचे की तरफ। ऐसे न्यूरॉन को हम लोग बोलेंगे स्यूडो यूनिपोलर न्यूरॉन। बाइपोलर न्यूरॉन यूजुअली हमको कहां देखने मिलेगा? ये हमको रेटिना में देखने मिलेगा, आंखों में, और हमारे नाक के एपिथीलियम में, ऑल्फैक्टरी एपिथीलियम में। ये याद रखना बेटा, बहुत जरूरी है। ओके, फिर यूनिपोलर न्यूरॉन हमको कहां देखने मिलेगा? ये हमको देखने मिलेगा डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। स्पाइनल कॉर्ड से जो नर्व निकलती है उसके पीछे वाले हिस्से में, डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल नर्व। इनफैक्ट यहाँ ये याद रख सकते हैं, जो सेंसरी और एफरेंट न्यूरॉन है ना, ये भी हमारे स्पाइनल कॉर्ड के पीछे की तरफ होती है बेटा। सो दिस इज प्रेजेंट इन डॉर्सल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। और एफरेंट और मोटर न्यूरॉन इज प्रेजेंट इन वेंट्रल रूट ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। ओके, आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट। अब समझो फॉर एग्जांपल ब्रेन या स्पाइनल कॉर्ड से ये नस निकल गई, इसको हमने मोटा किया, जूम किया। अब ये नस को अगर ऐसे रख दूं और तू सामने से अगर इसको देखेगा बेटा, तो सामने से देखने पे ये उसका फ्रंट वाला गोल वाला सरफेस है बेटा। तो ये जो गोल वाला सरफेस है, इसका ये जो बाउंड्री है, इसको बोलने का एपिन्यूरियम। इस मोटी सी नस के अंदर और भी धागे होते हैं,
बाउंड्री को बोलने का पेरिन्यूरियम, और यानी एक धागे के अंदर, मोटे धागे के अंदर और भी पतले पतले चार धागे तेरी तरफ आते हैं, और उन धागों के अंदर भी एकदम ही पतले बारीक बारीक और भी फाइबर्स होते हैं। मैं तीन तीन बनाता हूं सर, ठीक है, नंबर फिक्स नहीं है बेटा। अब इनका जो बाउंड्री है उसको बोलने का एंडोन्यूरियम, अब सोचिए नस नहीं है ये, अवस्थी सर झाड़ू बेचने निकला है, तो एक दो तीन चार, चार झाड़ू है सर, सर ने चारों झाड़ू को एक धागे से बांध, उसको बोलेंगे एपिन्यूरियम। हर झाड़ू को जिस धागे से बांधा है उसको बोलूंगा पेरिन्यूरियम, और हर झाड़ू के अंदर उसका जो कांडी है, उसका जो बाउंड्री है, हर एक कांडी का जो बाउंड्री है बेटा, उसको बोलेंगे एंडोन्यूरियम। लास्ट, ये जो नसों का बंडल है, बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स, बंडल ऑफ नर्व फाइबर्स इज कॉल्ड एज फैसिक्यूलस। फैसिक्यूलस वर्ड याद रखना बेटा। दूसरी बात, कई बार कैसा होता है ना, समझो ये नस है, नर्व है, इसके अंदर न्यूरॉन्स होते हैं बेटा, बट कोई कोई हिस्से में नर्व सेल्स बहुत ज्यादा है, सो वो हिस्सा फूला हुआ नजर आता है, इसको बोलते हैं गैंग्लिया। सो गैंग्लिया का मीनिंग क्या निकलता है, गैंग्लिया इज ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स, गैंग्लिया इज ग्रुप ऑफ नर्व सेल्स, यानी इस नर्व के अंदर नर्व सेल्स हैं, बट इस वाले हिस्से में नर्व सेल्स का झुंड है, ओके? सो इस तरह की गांठ, इस तरह की स्वेलिंग को हम बोलेंगे गैंग्लिया। बहुत सारा रहेगा तो गैंग्लिया, एक रहेगा तो गैंग्लियॉन बोलने का बेटा, ये समझा? नेक्स्ट, ग्रुप ऑफ एक्सॉन विच इज इनसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम, उसको बोलने का ट्रैक्ट, यानी एक्सॉन, जो हर एक न्यूरॉन का एक्सॉन होता है, एक्सॉन का झुंड जो ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर है, तो उसको हम लोग ट्रैक्ट बोलेंगे। क्लियर है बेटा? चलो स्क्रीनशॉट ले लो इसका। नमस्ते बच्चों, वेलकम बैक टू द चैनल योयो बायो, जहां हमारा आज का टॉपिक है योयो न्यूरो। न्यूरो यानी नर्वस टिश्यू। लास्ट लेक्चर में हमने न्यूरॉन्स के बारे में पढ़ा था, इस वाले लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे न्यूरोग्लियल सेल्स के बारे में। सो नर्वस टिश्यू में सपोर्टिव सेल्स होते हैं जिसको न्यूरोग्लिया बोलते हैं, जिसको ग्लियल सेल्स भी बोल सकते हैं बेटा। इतने ज्यादा काम के सेल्स नहीं होते, इनका काम सिर्फ सपोर्ट करना होता है और न्यूरॉन्स को असिस्ट करना होता है, न्यूरॉन्स की मदद करना होता है। बट बात यह है कि इन न्यूरोग्लियल सेल्स के भी टाइप्स हैं बेटा, जो हमको जानना जरूरी है। अब इसमें सबसे पहला टाइप है एपेंडाइमल सेल्स। सेकेंड टाइप इज ओलिगो डेंड्रोसाइट्स। थर्ड टाइप इज एस्ट्रोसाइट्स। नेक्स्ट इज माइक्रोग्लियल सेल्स। माइक्रोग्लियल सेल्स उसके बाद है बेटा सैटेलाइट सेल्स। और लास्ट में है श्वान सेल्स। श्वान, सेजवान ने क्या? ऑल राइट, अब ये सेल्स दिखते कैसे हैं? सो एपेंडाइमल सेल्स में बेटा व्हाट यू विल डू इज, ऐसा बेसमेंट मेम्ब्रेन जैसा बनाओ,
और इस तरह के सेल्स ड्रॉ करते हैं। सबके पास अपना खुद का न्यूक्लियस है और इनमें से हेयर लाइक प्रोजेक्शन निकल रहा है। This is how ependymal cells look like. Oligodendrocytes में समझो इस तरफ एक न्यूरॉन है, ये रहा न्यूरॉन और ये उसका डेंड्राइट्स, ये उसका न्यूरॉन। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इस तरह से बाजू में ही इसको चिपके हैं, एस्ट्रोसाइट्स को है ना स्टार शेप में, ट्विंकल ट्विंकल लिटिल एस्ट्रोसाइट्स, लिटिल स्टार लिटिल एस्ट्रोसाइट्स, ओके, तो इसको स्टार शेप बनाएंगे और इसके हर प्रोजेक्शन में से हेयर लाइक स्ट्रक्चर निकाल देंगे। ये इसका न्यूक्लियस है, ओके। नेक्स्ट माइक्रोग्लियल सेल्स, माइक्रोग्लियल सेल्स को ना डब्बे की तरह बनाओ, क्यूब की तरह बनाओ और उसमें से ब्रांचिंग निकालो रैंडमली। ये कुछ रट्टा नहीं मारना है, इसको रैंडमली निकालो बेटा। ये उसका न्यूक्लियस। सैटेलाइट सेल फाइबर से कनेक्टेड दिखाओ, श्वान सेल, समझो ये एक न्यूरॉन का एक्सॉन है, उसके ऊपर माइलिन शीट है, बट माइलिन शीट में ये सेल होता है जिसको बोलते हैं श्वान सेल, और समझो ये उसका न्यूक्लियस। इस वाले शीट ने एक्सॉन को पूरी तरह से ढक लिया है। न्यूक्लियस को थोड़ा सेपरेट आउट करते हैं, ओके। अब हर सेल की स्पेशलिटी, सबके अंदर साइटोप्लाज्म भी दिखाना होगा बेटा। थोड़ा फिलअप करके रखो,
चलो अब डिटेलिंग पे आते हैं। एपेंडाइमल सेल्स जो है ना बेटा, ये स्क्वैमस भी हो सकता है, फ्लैट हो सकता है, और ये कॉलमनार भी हो सकता है बेटा। इसके ऊपर हेयर लाइक स्ट्रक्चर होता है जिसको सीलिया बोलते हैं। और ये कहां पाया जाता है? ये पाया जाता है हमारे ब्रेन के अंदर कैविटी होती है जिसको वेंट्रिकल्स बोलते हैं। सो दिस इज फाउंड इन ब्रेन वेंट्रिकल्स एंड इट इज फाउंड इन द सेंट्रल कैनाल ऑफ स्पाइनल कॉर्ड। स्पाइनल कॉर्ड के बीचों बीच में एक खड्डा रहता है जिसको सेंट्रल कैनाल बोलते हैं। अच्छा सर, ये वहां पर क्या काम करता है? सो बहुत ही ज्यादा जरूरी है। एपेंडाइमल सेल्स फॉर्म्स CSF, दैट इज सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। हमारे ब्रेन और हमारे स्पाइनल कॉर्ड में आजू बाजू में बहुत सारी लेयर्स होती है, उन लेयर्स के बीच में ये पानी रहता है जिसको बोलते हैं सेरिब्रो स्पाइनल फ्लूइड। इसका डिटेलिंग मैं अलग से ही करवाऊंगा, अभी सिर्फ इतना याद रखना वो पानी कौन बनाता है? एपेंडाइमल सेल्स। सबसे जरूरी पॉइंट अब लिख रहा हूं, एपेंडाइमल सेल्स तुमको सेंट्रल नर्वस सिस्टम में मिलेगा यानी ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड के अंदर। ओलिगोडेंड्रोसाइट्स भी तुमको मिलेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, एस्ट्रोसाइट्स भी तुमको मिलेगा सेंट्रल नर्वस सिस्टम में, माइक्रोबियल सेल्स आर ऑल्सो फाउंड इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, सैटेलाइट सेल मिलेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में, और श्वान सेल भी मिलेगा पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। अब बात ध्यान से सुनो, श्वान सेल जो है ना, श्वान सेल प्रोड्यूसेस माइलिन शीट, ये माइलिन शीट को बनाता है। ओलिगोडेंड्रोसाइट प्रोड्यूसेस माइलिन शीट। सर अगर क्वेश्चन आया माइलिन शीट को कौन बना रहा है, सो ओलिगोडेंड्रोसाइट है कि श्वान सेल है? सिंपल, सेंट्रल नर्वस सिस्टम में उसको ओलिगोडेंड्रोसाइट्स बनाता है, और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में जितनी भी नसें होती हैं, ओके, वहां पर माइलिन शीट को श्वान सेल बनाता है। अच्छा, इसका नाम ओलिगोडेंड्रोसाइट्स इसीलिए रखा है क्योंकि ओलिगो मतलब कम, जैसे ओलिगोसैकेराइड्स यानी फ्यू शुगर मॉलिक्यूल, ओके, जैसे ओलिगोमेनोरिया यानी मेंस्ट्रुअल ब्लड कम हो गया, ओलिगो यूरिया यानी कम यूरिन फॉर्म हो रहा है बेटा, ओके। अब सो यहां ओलिगोडेंड्रोसाइट्स में सबसे इंपॉर्टेंट वर्ड रह जाता है कि ये वो वाला न्यूरोग्लिया है जिसके पास बहुत ही कम ब्रांचिंग है बेटा, सो इट हैज वेरी फ्यू ब्रांचेस, ये समझा बेटा? चलो मूविंग ऑन। एस्ट्रोसाइट्स, जैसा कि नाम बोल रहा है, एस्ट्रो यानी स्टार शेप, इसका काम क्या है? ये ब्रेन में इंपल्स कंडक्शन करवाता है बेटा। ब्रेन में मैसेज को एक जगह से दूसरे जगह पर भेजता है। अच्छा, दूसरी जरूरी बात, ये मैसेज को भेजने के लिए न्यूरोट्रांसमीटर चाहिए। तो ये न्यूरोट्रांसमीटर का सिक्रीशन भी करवाता है और एब्जॉर्प्शन भी करवाता है। और एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एस्ट्रोसाइट्स आर रिस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग ब्लड ब्रेन बैरियर। क्या बोला बेटा मैंने? ब्लड ब्रेन बैरियर। सर ये ब्लड ब्रेन बैरियर क्या होता है? ये ना किसी भी दो कंट्री के बीच में LOC कैसे रहता है, बॉर्डर, जहां एक देश खत्म हो गया दूसरा देश शुरू हुआ और बॉर्डर पे कितना तनाव रहता है, उसी तरह से ये एक ऐसा बैरियर, एक ऐसा रोधक है जहां ब्लड खत्म होता है और ब्रेन चालू होता है, और ब्लड से कोई भी कचरा इतना आसानी से, कोई भी बैक्टीरिया इतना इजीली ब्रेन में नहीं घुस सकता। सो वो जो रोधक होता है उसको बोलते हैं ब्लड ब्रेन बैरियर, और वहां पर हमको एस्ट्रोसाइट्स मिलेगा। नेक्स्ट, माइक्रोग्लियल सेल्स। माइक्रोग्लियल सेल्स जो है ना, इसको ब्रेन मैक्रोफेजेस भी बोलते हैं। और ये जिस सेल्स से पैदा होते हैं ना उसको बोलते हैं मोनोसाइट्स, जो एक किस्म का WBC है। मोनोसाइट से ही कन्वर्ट होता है मैक्रोफेजेस में, और इसका काम है फैगोसाइटोसिस।
फैगोसाइटोसिस यानी अगर कोई भी बैक्टीरिया है, मरा हुआ सेल है, कचरा है, उसको ये खा जाता है और उस एरिया को क्लियर कर देता है. सो फैगोसाइटोसिस मींस इट ईट्स जर्म्स, सेल्यूलर डेब्रिस. डेब्रिस यानी कचरा. अब वो सेल्यूलर डेब्रिस में ना डेड सेल्स भी होते हैं, नर्व सेल्स, जो जो सेल्स मर गए हैं ना उसको खा के खत्म कर देता है, एरिया को क्लियर कर देता है. उन सेल्स को हम लोग बोलते हैं माइक्रोबियल सेल्स. सैटेलाइट सेल्स कुछ ज्यादा काम नहीं है, खाली सपोर्ट करता है न्यूरॉन को. सो इट सपोर्ट्स द न्यूरॉन्स. श्वान सेल्स जो है माइलिन शीथ बनाते हैं, इट इज मोस्ट अबंडेंट. मोस्ट अबंडेंट यानी सबसे ज्यादा पाया जाने वाला सेल, वो भी पेरिफेरल नर्वस सिस्टम का. ओके चलो इसका स्क्रीनशॉट ले लो बेटा. ओके अच्छा, वैसे मोस्ट अबंडेंट में ये भी याद रखना कि एस्ट्रोसाइट्स है ना, वो सेंट्रल नर्वस सिस्टम का मोस्ट अबंडेंट सेल. ओके और पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में वी हैव श्वान सेल. सो वेल बच्चों, ये था हमारा आज का लेक्चर न्यूरोग्लिया के संबंध में. इसका डायग्राम बनाओ, सारे पॉइंट्स को अच्छे से मेमोराइज करो और उसके बाद टेक्स्ट बुक रीड करो. टिल देन रीड बायो, ब्लीड बायो, यो यो बायो. थैंक यू.